नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कला, लेकर हाजिर हूं देश का सबसे विश्वसनीय शो वंदे मातरम। दुनिया के कई मुल्कों में निजाम बदले हैं, कई मुल्कों के निजाम के मिजाज बदले हैं और कई मुल्कों की नीतियां बदली हैं, और ये सभी बदलाव पिछले कुछ महीनों में इतनी तेजी से हुए कि पूरी दुनिया में जबरदस्त तनाव है। कई मुल्क एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया सनक गई है, परमाणु युद्ध की धमकी दे रही है। ब्रिटेन पर रूस भड़का, झटका देगा तगड़ा। जी, अमेरिका में ठनी, समंदर में सनसनी। टूटा ईरान का ईमान, इज़राइल में उठा तूफान। ड्रैगन का ताइवान पर हमला, जापान लाएगा जलजला। जी, चौतरफा घिर जाएगा, एटमी मिसाइलें दागेगा। पूरी दुनिया सनकी, परमाणु युद्ध की धमकी। ऐसा हिस्सा जहां पर कुछ ही 100 स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया के 33 मुल्कों की सेनाएं तैनात है, जहां दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से कहीं ज्यादा सेना और बारूद तैनात है, और जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर मिसाइल ताने खड़ी हैं। जगह है पश्चिमी दुनिया को पूरब की दुनिया से जोड़ने वाला काला सागर। परमाणु युद्ध की पहली और सबसे दमदार आहट सुनाई दे रही है काले सागर से, जहां अमेरिका और ब्रिटेन से रूस की इसलिए ठनी है क्योंकि रूस को लगता है कि जहां ब्रिटेन और अमेरिका की सीमाएं भी नहीं हैं, वहां ये दोनों मुल्क दादागिरी करने पहुंच जाते हैं। पुतिन को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन उस समुद्री इलाके में अपने नेवी को उतारते हैं जहां रूस और यूक्रेन का विवाद है। ब्रिटेन रूस में जंग वाली टेंशन है, काले सागर में एटम बम की आहट है। जून 2021 को ब्लैक सी में ऐसे हालात बने थे कि दुनिया में विश्व युद्ध का डर समा गया। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ब्रिटेन का युद्धपोत ब्लैक सी से गुजर रहा था और अचानक उसका पीछा करने लगे रूस के दो युद्धपोत और 20 जंगी हवाई जहाज। रूसी कोस्ट गार्ड की शिप तो कुछ मीटर की दूरी तक पहुंच गई और रूसी लड़ाकू विमान ने तो ब्रिटेन की वॉरशिप के बेहद करीब बेहद नीची उड़ान भरी, बल्कि कथित तौर पर बम बरसाकर अंग्रेजों के जंगी जहाज को चेतावनी भी दी।
आपने पूछा कि क्या हम विश्व युद्ध तीन के कगार पर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अगर हम उनके जहाज को डुबा देते तो भी मैं नहीं समझता कि दुनिया विश्व युद्ध तीन के कगार पर होती, क्योंकि जिन्होंने इस उकसावे की साजिश रची, जिन्होंने इसे शुरू किया, वो जानते हैं कि वे इस जंग को जीत नहीं सकते। 30 जून को काले सागर में अमेरिका और यूक्रेन ने सी ब्रिज 2021 का आगाज किया। ये वो युद्धाभ्यास है जिसमें 6 महाद्वीपों के 32 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने इस युद्धाभ्यास को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूक्रेन की नेवी एक साथ काले सागर में उतरी है। उनके साथ 32 देशों के जंगी जहाज और जंगी साजो सामान के साथ जवान थे। पुतिन ने अपनी S-400 से अमेरिका और ब्रिटेन को डराने की कोशिश की। बाद में रूस ने भी काले सागर में अपनी जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। काले सागर को युद्ध का मैदान बना दिया गया है। पुतिन को चिढ़स बात की है कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बाकी मुल्कों का आखिर यहाँ क्या काम है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वे यूक्रेन के पास या यूक्रेन के अंदर मिलिट्री बेस खोलना चाहते हैं। यूक्रेन की सीमा के अंदर रूस की सीमा के पास दूसरे देशों के सैन्य ठिकाने रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है और यही हमें फिक्रमंद बनाता है। अब इस सवाल के जवाब में देखें तो रूस का भी सीरिया में कोई काम नहीं है, रूस का अजरबैजान में कोई काम नहीं है, रूस का लिबिया और सूडान में भी कोई काम नहीं है, लेकिन रूसी सैनिक इन जगहों पर तैनात है। जिस यूक्रेन को पुतिन रूस का हिस्सा बताते हैं उसे यूक्रेन एक आजाद मुल्क बताता है और पुतिन को एक आक्रांता। मैंने इसे कई बार कहा है और मैं इसे फिर कहता हूँ कि यूक्रेनियन और रशियन एक ही हैं, एक देश हैं। यूक्रेनियन और रशियन दोनों दो अलग अलग देश हैं। हम अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते थे अगर 2014 में रूस ने यूक्रेन में हमला नहीं किया होता और हजारों को मारकर हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया होता। दोनों मुल्कों के बीच में बनी खाई के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आक्रमण शुरू किया। अमेरिका और रूस के बीच ठनी हुई है और दोनों मुल्कों ने काले सागर में टेंशन बढ़ा दी है। दोनों मुल्कों ने एटम बम की तैनाती भी पहले से ज्यादा बढ़ाई है, जिसे लेकर परमाणु बमों की निगरानी करने वाली संस्था सिप्री ने चिंता जाहिर की। दुनिया भर में दोनों मुल्कों की सेनाएं और मिसाइलों के साथ बॉम्बर्स और सबमरीन जिस तरह से तैनात है वो किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। रूस के साथ अमेरिका की इसलिए ठनी है क्योंकि रूस की ओर से काले सागर में तैनात हैं S-400 और Sukhoi-24, भूमध्य सागर में तैनात है MiG-31 और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। भूमध्य सागर में रूस की 2 सबमरीन तैनात हैं, 2 युद्धपोत तैनात हैं जो सतह से हवा में मिसाइल दाग सकते हैं। परमाणु बमों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूक्रेन के बॉर्डर्स पर 1.5 लाख सैनिक तैनात हैं। प्रशांत महासागर में नेवी का अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा उतारा। काले सागर में ब्रिटिश युद्धपोत को बम बरसाकर धमकाया भी। प्रशांत महासागर में हवाई तक पहुंचे रूसी विमान। सीरिया में रूसी बॉम्बर और मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। रूस की सबसे बड़ी सबमरीन बोलगोराडो सीक्रेट मिशन पर निकली है। अंटार्कटिक में रूस अपने रोबो आर्मी का बेस तैयार कर रहा है। जिस तरह से रूस की तैयारी है, जिस तरह से अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में अपनी सेना को फैला रखा है और दर्जनों सैन्य ठिकानों पर अपने जंगी साजो सामान को अलर्ट पर रखा है, उससे दोनों मुल्कों के बीच परमाणु युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं।
की सनक में जिनपिंग कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं, जहां वो एक तरफ अमेरिका से पंगे ले रहे हैं, ताइवान को धमका रहे हैं। दरअसल विस्तारवाद के चक्कर में माओ का चेला जिनपिंग इतना अंधा हो चुका है कि साउथ चाइना सी से लेकर जमीन तक अंधाधुंध तरीके से छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना चाहता है और उसे वन नेशन थ्योरी का नाम दे रहा है। लेकिन अकेले ताइवान नहीं, माओ के चेले के तेवर ढीले कर दिए हैं।